बाद देखते हैं हम क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं। भाई अभी रात के कुछ 10:10 से 15 मिनट हो रहे हैं और हम लोग डी कैथलोन के स्टोर आए हैं और मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो 11 बजे तक खुलता है। अभी 10:10 हो रहा है, आई होप खोला हो यार। तो मेरे लिए शॉर्ट्स और कुछ ट्रैक पैंट्स वगैरह लेने हैं, जिम के लिए थोड़े से कपड़े कम बचे हैं इसलिए। ओपन नहीं है भैया, बंद 9 बजे बंद हो जाता है। कल सैटरडे और संडे को 10 बजे यार, ऑनलाइन तो यार बहुत देर तक शो कर रहा था, मैं चेक कर रहा था टाइमिंग यहाँ लिखी है अद्धा, यार ऑनलाइन कुछ भी शो करता है। मंडे टू फ्राइडे 11 AM, 9 PM, सैटरडे संडे 11 AM, 10 PM। भाई ये जो डी कैथलॉन का जो स्टोर है वो मेरे घर से यानी कि विजयनगर से कुछ अराउंड 8 to 9 kilometers है, तो हम अभी स्कूटी से रात में 9 kilometers आ रहे हैं और यहाँ के पता चलता है कि डी कैथलॉन का स्टोर बंद है। फिलहाल यहाँ आना टाइम की बर्बादी रही। कल सैटरडे है और मैंने ऑलरेडी सोच रखा था कि अगर शाम को जिम के बाद नहीं जा पाऊँगा तो सुबह मॉर्निंग में मैं डी कैथलॉन आ जाऊँगा और जो भी लेना होगा वो ले लूँगा, पर पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि यार चल के देखते हैं, थोड़ा घूम के भी आते हैं, पर वो घूमने के चक्कर में ना पोपट हो गया। अभी ये भी बोल रहा था मेरे को कि खुलता है यार, मतलब 11 बजे था, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था तो ठीक है यार। ये कुछ स्पोर्ट्स सेक्शन वगैरह है डी कैथलॉन। फिलहाल अभी घर चलते हैं, रात भी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है भाई। इतना दूर है ना इंदौर के बाहर निकलने के बाद कि 3 किलोमीटर कुछ, ये हाईवे दिख रहा है ना आपको, मतलब हमें सर्विस रोड के बाद रिंग रोड के बाद 3 किलोमीटर हाईवे से चल के आना पड़ता है और ये रॉन्ग साइड पर रहता है तो इसके वजह से हमें थोड़ा सा लॉन्ग साइड भी चलना रहता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, सुबह के नहीं ऑलमोस्ट दोपहर होने वाली है और 11 बज रहे हैं। अभी हम लोग 11:30 बज रहे हैं तो अभी हम डीकैथलॉन जाने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों के पास अभी सेपरेटली कोई बाइक या स्कूटी वगैरह नहीं है, तो हम दीदी से शेयरिंग में काम चला रहे हैं अभी। बोला दीदी की स्कूटी है उससे जाते हैं, या घर पे एक बाइक भी है तो वो हमें कभी मिल जाती है, और तो उनको जॉब पे वगैरह जो कुछ भी है तो वो 1 या 2 के बाद जाना रहता है, तो उससे पहले हम मेरे जो भी काम रहते हैं, हमें कॉलेज जाना होता है तो मैं वो अपना निपटा लेता हूँ। तो अभी शेयरिंग में हमारा काम चल रहा है तो उनका टाइम, उससे पहले अभी हमें डीकैथलॉन जाना पड़ेगा। वो इसलिए मेरे बहुत सारे कपड़े भी धुलने के लिए बाकी हैं, रखे हुए हैं, और मुझे आके कपड़े भी धुलने हैं। जिम में पहनने के लिए मेरे पास कोई ऐसा लोअर या टी शर्ट्स वगैरह मैं इतनी नहीं लेके आया था, तो मेरे पास 1-2 ही है, तो मेरे को अभी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने 1-2 भी कभी ट्रेन किया तो जो रेपिटेशन होता है ना उसमें दिक्कत आती है। मैं सोच रहा हूँ कि यार जाके ले आऊँ, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं। बस ये बेवकूफ़ सा लड़का अभी नहा रहा है, पता नहीं क्या पड़ी रहती है यार लोगों को सुबह सुबह नहाने की। ये कहता है मैं नहाऊँ नहीं तो मेरे को मज़ा नहीं आता है, मैं 2 दिन नहीं नहाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं भाई, मैं इतना ऑब्सेस नहीं हुआ नहाने के लिए, मैं नहीं भी नहाऊँ तो चल जाता है। इन वन मोर गुड मॉर्निंग एट डी कैथलॉन, कल रात को भी आए थे और अभी सुबह भी यहीं आए हैं। फिलहाल अभी तो टाइम है, आराम से हम जो भी हमें लेना है वो हम आराम से ले सकते हैं। कल अगर रात में अगर खुला भी होता तो प्रॉब्लम ही हो रही होती लेने में। आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा सा इसका सेपरेशन काफ़ी प्यारा लगता है, तरीके से इसका डिज़ाइन करा गया ना अंदर से काफ़ी बेस्ट है। मैं ये एल और एक्सल लेके जा रहा हूँ दोनों, देख लो कौन सा पता है। ये थोड़ा सा वैसा स्टिकी लग रहा है, एक्सेल आएगा वैसे, मेरा जो साइज है वो एल है। थोड़ा सा एंगल चाहिए था यार, साइज़ सही है, साइज़ का बताओ। मैंने आज से पहले कभी इसको ट्राई नहीं किया, मस्त है यार, काफ़ी सही, डर लग रहा है। अभी तुमने चलाया गया था, मस्त था। जाओ ले तोर जाओ बे। वेल वी जस्ट रीच्ड होम और हमारी शॉपिंग भी हो गई। वही अभी कुछ 2:30 बज रहा होगा, मतलब हाँ 2:40 कुछ हो रहे हैं, और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया।
सीन कुछ ऐसा है, मैंने आज थोड़ा सा इंटरमीडिएट फास्टिंग करी थी, मतलब मैंने सोचा था 12 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा, पर अभी 2 बज गया है क्योंकि अभी कुछ बनाया वगैरह भी नहीं था, तो अभी 2 बज रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा आप सभी लोगों से, वो ये है, अगर आप किसी भी नए फेज में एंटर करने वाले हो, कि आप बहुत टाइम से थोड़ा अलग डाइट फॉलो कर रहे थे, उसके बाद आप कुछ नया डाइट फॉलो करने वाले हो, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप कोई और डाइट फॉलो कर रहे थे और अभी आप शिफ्ट करने वाले हो, यानी अगर आप लीन डाइट फॉलो करने वाले हो या फिर पहले आप वेट गेन कर रहे थे, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अचानक से अपना डाइट एकदम से चेंज मत करो, क्योंकि अब से आपकी बॉडी भी अडेप्ट नहीं करेगी और आप एक लंबे टाइम तक वो डाइट फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अभी इसके बाद मेरे को पता है कि कुछ दिन बाद मैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा और एक अलग डाइट मेरे को फॉलो करनी है, मैं अपनी बॉडी को हैबिचुअल बना रहा हूँ। जैसे मैंने आज इंटरमीडिएट फास्टिंग करी तो मैं कल नहीं करूँगा, एक दिन बाद फिर से करूँगा, और ऐसे ही फिर धीमे धीमे मैं लीन डाइट पे आऊँगा। जैसे अभी मैं मेरे एग्स वगैरह खाता था तो मैं ऑमलेट बना के खाता था, फिर मैं बॉइल्ड खाने लगूँगा। तो अगर एकदम से मैं सारी चीज़ें एकदम से चेंज कर लूँगा ना, तो बॉडी भी अडेप्ट नहीं करेगी और मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं टॉर्चर जैसा फील हो रहा है इसकी वजह से। तो यही बोलूँगा कि धीमे धीमे अपनी बॉडी को उस फेज में एंटर करवाओ और धीमे धीमे ही सारी चीज़ों को एकदम से अडेप्ट मत करो, छोटे छोटे चेंजेस करो और फिर वो जो डाइट है आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं हम क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं। भाई ढेर सारी शॉपिंग करके आए हैं, इसको ऐसे पलट लूँ क्या, ऐसे भाई बहुत ऑकवर्ड हो गया। ये मैं मेरे लिए एक ब्लैक कलर का, ये क्या बोलते हैं उसको, लोअर लेके आया हूँ, लोअर है या जॉगर है, ये मेरे को एंकल में जो स्ट्रैप होते हैं ना उस टाइप का कुछ चाहिए था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो एक मैंने ये लिया। और इसी का सेम पीस है पर मैंने कलर डिफरेंट लिया, ये दोनों, इसमें भी सेम एंकल ऐसे ही कुछ है, तो भाई ये दोनों लिए मैंने। और एक प्यारी सी ये ब्लू टी शर्ट लिया मैंने, काफ़ी सही लग रही थी मेरे को ये। एंड मेरे पास वाइट कपड़े बहुत कम है, आप लोगों ने मेरे को कभी भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी वाइट टी शर्ट या शर्ट पहने हुए कभी देखा है, तो मैंने एक ये वाइट प्लेन ब्लू वाइट टी शर्ट लिए, मैंने एक ये प्लेन बिल्कुल वाइट टी शर्ट ली है एक, एंड सेम जैसे ये ब्लू टी शर्ट है ना बिल्कुल निट्टो सेम ही है ये, बस इसका कलर चेंज हो रहा था, दोनों का साइज भी सेम है। मैं सोच रहा था थोड़ा ढीला लेने का, पर निमिश ने मेरे को बोला ये काफ़ी सही है, मतलब साइज तुम पे सही आ रहा है, तो फिर मैंने ये दोनों लिए, ये दो तीन चार पाँच, तो ये पाँच कपड़े मैं भी लेके आया।